Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता, अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, यानी कि जानेंगे क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर आपके एग्जाम में 20 नंबर में पूछा जाता है। थोड़ा टेक्निकल भी है इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसे बड़े ही इजी मोड में आप समझेंगे। इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ सके। और अगर आपकी समझ में आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि सभी छात्र इसका इसी तरह से फायदा ले सके और इस फ्री लेक्चर सीरीज का उद्देश्य कंप्लीट हो सके। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर वीडियो की ओर। तो अब समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में कहां से शुरू होता है वो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 124 से हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें अराइज होता है वो अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा के बारे में आज हम बात करेंगे। यहां पर सेक्शन 124 और सेक्शन 125 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजंस दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट सेकंड के अंतर्गत आता है, जो पहले भी आपको बतला चुका हूं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, जैसा आपको पता ही होगा इंडेमनिटी मींस क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति की संविदा। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है टू कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी कि जहां पर लॉस के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 124 और 125 में दिया गया है। और ऐसा लॉस किसके द्वारा अराइज हो, लॉस कॉज्ड बाय प्रोमिसर और द अदर, यानी कि जो प्रोमिसर है उसके द्वारा अराइज हो या किसी अन्य के द्वारा। यानी कि कभी इस इंडेमनिटी में बतलाया गया है कि जहां पर लॉस प्रोमिसर के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आकर होता है तो प्रोमिसी को वहां पर ऐसा कंपनसेशन उस लॉस के एवज में दिया जाता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर हम पढ़ेंगे तो यहां पर दो पार्टियां इंडेमनिटी के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, पहली को बोलते हैं इंडेमनिफायर और दूसरी बोली जाती है इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि इसे आप समझ सकते हैं एक तरीके से प्रोमिसर जो वचनदाता होता है और यहाँ प्रोमिसी जो वचन ग्रहीता होता है। ठीक है, एक वचन देता है और दूसरा वचन ग्रहण करता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, यहां पर मान लीजिए इंडेमनिफायर जो होता है वो इंडेमनिटी होल्डर को ये वचन देता है कि अगर इसके काम से, इसके किसी एक्ट से या किसी अन्य और किसी व्यक्ति, थर्ड पार्टी के किसी एक्ट से इस व्यक्ति को लॉस होता है तो इसके लॉस की भरपाई खुद करेगा। ठीक, यानी कि वचन ग्रहीता के लॉस की जो भी भरपाई होगी, चाहे वो इसके वचनदाता के एक्ट के द्वारा हो या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट के द्वारा, तो उसका ये जो लॉस होगा वो वचनदाता द्वारा वचन ग्रहीता को दिया जाएगा, यानी कि प्रोमिसर द्वारा प्रोमिसी को दिया जाएगा। ठीक, इस तरीके का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्रिएट किया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस तरीके से क्रिएट होता है वो समझ लेते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आप देखेगा यहाँ पर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, एक व्यक्ति एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस कराता है। ठीक, यानी कि पॉलिसी होल्डर, जिसे पॉलिसी होल्डर आप बोलते हैं, जैसा आप घरों में भी देखते होंगे। जनरल इंश्योरेंस का मतलब है अदर देन लाइफ, लाइफ को छोड़कर जो जनरल इंश्योरेंस, जैसे कार इंश्योरेंस आप कराते हैं या जो हाउस इंश्योरेंस होता है या शॉप इंश्योरेंस होता है, इस तरीके की कंडीशन या जनरल इंश्योरेंस में आती है। अब आपने एक शॉप का इंश्योरेंस, अपने एक फर्नीचर शोरूम का एक इंश्योरेंस कराया है किसी कंपनी से, तो हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी और यहां पर आप हो जाते हैं पॉलिसी होल्डर। ठीक, तो जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो यही लेते हैं, मान लीजिए आपका एक इंश्योरेंस आपने लिया है अगेंस्ट फायर। ठीक, फर्नीचर शोरूम में आग लगने पर ये इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ पर पॉलिसी होल्डर बनाते हुए प्रॉमिस करती है कि उस पर अगर आग लगती है किसी भी वजह से, ठीक, तो वहां पर ये उस लॉस को पूरा करेगी, उस लॉस को पूरा करने का यहाँ प्रॉमिस देती है। यानी कि यहाँ पर इंडेमनिफायर कौन हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रोमिसर हो गई। ठीक, और प्रोमिसी कौन हो गया, पॉलिसी होल्डर आप हो गए। ठीक, तो इस कंडीशन में आप क्या होता है, अब आपके पास कोई भी लॉस सफर होता है, आपके शोरूम में आग लग जाती है, तो इस केस में आप यहाँ पर जाते हैं और जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम सेटल करा लेते हैं। इसी
तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल भी आपको बतला देता हूँ, जैसे कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस के अंतर्गत मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जितना भी लॉस आपकी कार को हुआ है वो आपको पे करने के लिए तैयार हो जाती है, उसी के एवज में आप उसे कंसिडरेशन देते भी हैं। यानी कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो दोनों पार्टी के बीच होता है। ठीक, उसके साथ साथ ऐसा जो कंसीडरेशन है वो अनुग्राहिक और गैर अनुग्राहिक दोनों हो सकता है, यानी कि ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस दोनों तरीके से हो सकता है। इसी का दूसरा एग्जांपल समझते हैं, जैसे एक्स वांट्स टू इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ ये कह देता है कि एक व्यक्ति एक्स ने कंपनी वाई के शेयर ले रखे हैं और वो शेयर सर्टिफिकेट उससे गुम हो जाता है, कहीं पर भी गुम हो जाता है, खो जाता है। अब वो उस कंपनी से यानी कि वाई लिमिटेड कंपनी से ये कहता है कि उसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए जाए। ठीक, लेकिन कंपनी क्या करती है यहाँ पर, कंपनी उससे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाती है। ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है, यानी कि कंपनी इंश्योर करती है कि यहां पर अगर मान लीजिए इस केस में आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करा रहे हैं तो कंपनी ये मानती है कि ये जो शेयर्स हैं ये आपके अपने हैं, कंपनी इसके इंडेमनिटी बॉन्ड के अंतर्गत आपसे करार कराती है कि शेयर आपके ही हैं और आपने किसी अन्य को नहीं बेचे हैं। क्यों कराती है, मान लीजिए आपने ये शेयर किसी और को बेच दिया और उसके बाद कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर देती है और दूसरे व्यक्ति की तरफ से भी क्लेम आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी को लॉस होने की संभावना रहती है। तो उस लॉस से बचने के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाती है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी लॉस कंपनी को होता है तो उस कंडीशन के लिए आप कंपनी को पे करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए वहां पर प्रॉमिस दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ इंडेमनिफायर आप हो जाते हैं और इंडेमनिटी होल्डर कंपनी बन जाती है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं, उसके बाद समझ लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन बेसिकली सेक्शन 124 में दी भी गई है, अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी। यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी के को सेव करने का, किस चीज से, फ्रॉम लॉस कॉज्ड, लॉस जो उसे अकर हुआ है उससे सेव करने का प्रॉमिस करती है। और कैसे हुआ है, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, यानी कि प्रोमिसर के एक्ट के द्वारा हुआ हो या किसी अन्य पर्सन के एक्ट के द्वारा ऐसा लॉस उसे सफर हुआ हो तो उसे देने का प्रॉमिस या प्रोमिसर द्वारा किया जाता है, इंडेमनिफायर द्वारा इंडेमनिटी होल्डर को दिया जाता है। इसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। सेक्शन 124 में इसकी डेफिनेशन क्लियरली दे दी गई है, उसके बाद समझ लेते हैं अब इसके इसेंशियल्स क्या क्या होंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो इसेंशियल्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो पार्टी होनी जरूरी है, यानी कि इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर, दो पार्टी दो पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, यानी कि ऐसे लॉस का प्रोटेक्शन, टू सेव यहाँ पर भी लिखा है, टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉस्ट, और यहाँ पर लिखा है टू कंपनसेट फॉर द लॉस, यानी कि कंपनसेशन वहां प्रोटेक्शन ऑफ लॉस होना चाहिए, इसका एसेंशियल्स है। उसके साथ साथ ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके से हो सकता है। एक्सप्रेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा लेगा, तो इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है, एक तरीके से एक्सप्रेस कंडीशन है। इम्प्लाइड का भी बतलाऊंगा कि किस तरीके से इम्प्लाइड होता है। उसके बाद आता है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो इसेंशियल्स हैं, जो सेक्शन 10 में आपने पढ़े भी होंगे, वहां पर इसेंशियल्स उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना। यानी कि जितना भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत होना चाहिए, अगर उससे बाहर जाता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड या इलीगल करार कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। मान लीजिए ये कहता है बी से, बी के पास कोई प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, बी की अपनी प्रॉपर्टी है जो किसी ने कब्जा ली है। अब ए बी से कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए वाद लेकर आइए और उसके खिलाफ जो भी खर्चा होगा, यानी कि केस प्रोसीडिंग्स का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूं। यानी कि ए ये प्रॉमिस करता है कि आप
अपनी प्रॉपर्टी के लिए केस लेकर आइएगा और उसमें जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूं। तो ऐसा केस क्या होगा? पहली बात लीगली है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी लीगल है और ये इसके इसके इसे न्याय दिलाना चाहता है। ठीक, तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं, नॉन ग्रेटियस थिंग्स हैं, तो तब भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी माना जाता है। तो बी यहां पर ऐसा जो भी लॉस यानी कि ऐसा जो भी खर्चा होगा वो ए से ले सकता है जब तक कि वहां पर केस प्रोसीडिंग चल रही होती है। लेकिन यहां पर भी एक टेक्निकल चीज है कि ऐसा खर्चा कितना हो सकता है, तो ये सीधा सीधा यहां पर विभिन्न केसों के माध्यम से बतला दिया गया है कि एक्सपेंडिचर एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, यानी कि जनरल एक साधारण आदमी जिस तरीके से वहां पर खर्च उस केस में खर्चा आ सकता था उस तरीके से ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता हो। ठीक, इस तरीके से हम, और दूसरी बात यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। इसी के उल्टा अगर समझ लेते हैं कि यहाँ पर बी की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है और वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, और तब ये उससे कहता है कि ठीक है मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी, ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है ये दिला दूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, क्योंकि उसे भी पता है कि बी की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, और उसके अगेंस्ट एक तरीके से वाद क्रिएट करना चाहता है और उसमें अपने परसेंटेज तय कर लेता है या कुछ भी ऐसा तय कर लेता है। तो वहां पर ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इलीगल है, इलीगल प्रॉपर्टी को वो लीगल बनाना चाहता है। तो यहां पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल वॉइड और इलीगल हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पर कहा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। ठीक, उसके साथ साथ एक चीज और समझ लेते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एक चीज समझ लीजिएगा कि जब हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस कितना कवर हो सकता है, तो यहां सीधी सीधी बात कर दी गई है कि लॉस जितना होगा उतना ही यहां कंपनसेट किया जाएगा। यानी कि जिस रेशो में आपको लॉस होगा, अगर 5 लाख रुपए का लॉस है तो 5 लाख तक का ही कंपनसेशन यहां दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंतर्गत। जैसा आप देखते भी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो जाता है और आपका अगर 50,000 तक का इंश्योरेंस है तो 50,000 तक का ही वो इंश्योरेंस दिया जाता है। या फिर इसके उलट समझ लीजिएगा कि आपको नुकसान 5,000 का हुआ है तो, और 50,000 का इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो ऐसी कंडीशन में वो इंश्योरेंस कितने तक का मिलेगा? डेफिनेटली जितना आपको लॉस हुआ है, यानी कि 5,000 रुपए तक की अमाउंट का ही वो लॉस यहां पर आपको कंपनसेट किया जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम आप समझ लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अगर यहां पर आप अपनी LIC कराते हैं और वहां पर पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं, तो एक तरीके से आप कहेंगे कि आप यहां लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफायर हो गई और पॉलिसी होल्डर आप इंडेमनिटी होल्डर हो गए। लेकिन यहां पर सीधा सीधा समझ लीजिएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब किसी को भी लॉस अकर होने पर कंपनसेट करती है? जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ठीक, तो यहां यह माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति की डेथ का लॉस कोई भी कंपनसेशन कवर नहीं कर सकता, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मामले में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को नहीं माना जाता, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मामले में लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा कह देता है लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी इंडेमनिफाइड, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ को कभी भी कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी कवर नहीं कर सकती। यहां पर सीधा कहता है कि लॉस कंपनसेशन के इक्वल होना चाहिए। ठीक, लेकिन डेथ को कभी भी किसी भी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती इकोनॉमिकली, तो इसी वजह से यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इसके परिधि से बाहर रखा गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की परिधि से बाहर रखा गया है। अब बात करें इसके नेचर की, तो नेचर भी समझ लीजिए। पहले तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस दोनों तरीके के एक्ट हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिएगा कि जहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी से ये कहे कि उससे कम, जब उसे बात कह रहा है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी ले लीजिएगा, उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब केस जीत जाए तो उसका भुगतान कर दे।
ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या हो जाता है कि वहां पर वो कंसिडरेशन ले लेता है, उसे बोलते हैं ग्रेशियस थिंग्स। और जहां पर कंसिडरेशन नहीं लेता है, यानी कि इसकी मदद करने के लिए ही बोल रहा है और इससे कुछ एवज में नहीं चाहता है, कंसिडरेशन में नहीं चाहता है, तो उसे बोलते हैं नॉन ग्रेशियस थिंग। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक और चीज है। दूसरी चीज इसकी अगर नेचर की बात करूं, नेचर पहले तो बतला दिया ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस, उसके बाद आता है इसकी जो नेचर है, आप देखेंगे कि ये टोटल कंटिजेंट नेचर है, यानी कि समाश्रित नेचर है। आपने समाश्रित नेचर कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बतलाइएगा, मैं आने वाले समय में उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर नेचर बतला दी गई है कंटिजेंट। कैसे? जब भी कोई ऐसा कार्य होता है तो ये डिपेंड करता है समय पर, यानी कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आपने कार एक्सीडेंट का एक इंश्योरेंस लिया है, तो कार एक्सीडेंट जरूरी नहीं कि हो ही, तो ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों कंडीशन अपने साथ रखते हुए चलता है, इसीलिए इसकी नेचर कंटिजेंट मानी जाती है, ऐसा माना जाता है, कंटिजेंट नेचर का होता है। इस तरीके से हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन, नेचर और इसेंशियल्स, और साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में समझा। इसके अलावा अभी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से किस तरह मिलता जुलता है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए, इस तरह अगर हम बात करेंगे इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर की, तो इन्हें हमें इनकी परिभाषा भी आप समझ सकते हैं, हु प्रॉमिस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी को लॉस से सेव करने की, ठीक, उसे बोलते हैं इंडेमनिफायर। और उसके बाद बात करेंगे इंडेमनिटी होल्डर की, तो यहां आता है हु इज प्रॉमिस टू बी सेव, जिसे प्रॉमिस किया गया है सेव करने का, ठीक। तो इस तरीके से है इंडेमनिफायर और इंडेमनिटी होल्डर की परिभाषाएं दी जा सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर इसके साथ साथ और भी चीजें आपको समझनी है तो यहां पर देखेंगे। हालांकि इंडेमनिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वहां हम देखते हैं कि दो पार्टीज होती हैं, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखें या एजेंसी का प्रोविजन देखें, इसे आगे आने वाले चैप्टर्स में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एज एन एग्जाम्पल बतला देता हूं कि ये किस तरीके से यहां पर आते भी हैं, दिखते भी हैं। देखिए, यहां पर हमें पता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वहां पर तीन पार्टी होती है, यानी कि एक श्योरिटी होती है, एक प्रिंसिपल डेप्टर, एक क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेप्टर जिसने ऋण लिया है और क्रेडिटर जिसने ऋण दिया है। उसके साथ साथ प्रतिभू मतलब जिसने गारंटी दी है, गारंटर, श्योरिटी बोला जाता है गारंटर को। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि ये व्यक्ति ऋण लेता है इससे, लेकिन इसकी गारंटी कौन देता है कि अगर ये व्यक्ति ऋण नहीं दे पाया तो मैं इसके ब्याह पर इसकी गारंटी लेता हूं कि वो लॉस जो होगा वो मैं सफर करूंगा, यानी कि मैं दूंगा। तो ये व्यक्ति उस लॉस को सेव करता है इस पार्टी के लिए, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये इंडेमनिफायर होता हुआ प्रतीत होता है, ये इंडेमनिटी होल्डर होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक। इसी तरीके से आप अगर एजेंसी में देखेंगे तो यहां पर भी तीन व्यक्ति होते हैं, पहला प्रिंसिपल यानी कि मालिक, फिर एजेंट अभिकर्ता, और एक थर्ड पार्टी, यानी कि जहां पर एजेंट अपने मालिक के ब्याह पर कोई काम तीसरी पार्टी के साथ करता है, और ऐसी पार्टी में तीसरी पार्टी को लॉस हो जाता है ऐसे काम से, किसी ऐसे एजेंट के काम से पार्टी को लॉस हो जाता है थर्ड पार्टी को, तो वह ऐसा लॉस किससे ले सकेगा? डेफिनेटली इस मालिक से। यानी कि इस कंडीशन में भी यहां पर जो प्रिंसिपल है वो इंडेमनिफायर आपको दिखता हुआ प्रतीत होता है, और थर्ड पार्टी यहां इंडेमनिटी होल्डर हो जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो इस कंडीशन में आप देखेंगे यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंप्लाइड तौर पर आपको दिखाई देगा, जहां पर कोई सीधे सीधे नहीं होता लेकिन फिर भी सीधा इंप्लाइड तौर पर प्रिंसिपल लायबल हो जाता है, ठीक। तो ये इस तरीके के एग्जांपल से आप इंडेमनिटी फायर को समझ सकते हैं, इंडेमनिटी होल्डर को समझ चुके होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की परिभाषा जो आपको बतलाई है वो सब आप समझ चुके होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब देखते हैं कि यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इलीगल वर्क के लिए होगा, यानी कि कोई मेरे से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जो इलीगल काम करने के लिए हो, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता, यानी कि ऐसी कंडीशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने आपको बताया था इसका एक इसेंशियल ये भी है कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहां पर पूरे होने चाहिए, जिसमें एक लॉफुल ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है, ठीक। उसके साथ साथ अब अगर सेक्शन 125 की बात करूं,
यहाँ पर सेक्शन 125 आ जाता है जिसमें लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी दी गई है। ठीक, यानी कि लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी की बात करूं, इसके दायित्व की बात करें कि क्षति पूर्ति की जो संविदा है उसका दायित्व कब स्टार्ट होता है, कब एराइज होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया जब वो लॉस हो जाता है और जैसे ही वो लॉस संज्ञान में आता है तो वहां पर वो लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी शुरू हो जाती है उसी समय से। इसके रिगार्डिंग कई केसेस भी आए हैं, हालांकि इस पर अलग अलग डिफरेंसेस कोर्ट्स के रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन यहाँ पर एक फेमस केस आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मगन 1948 बॉम्बे हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी पे बात की है और यह बतलाया भी है कि यह दायित्व तब प्रारंभ हो जाता है जब क्षति की जो जो उस व्यक्ति को क्षति हुई है उसकी नॉलेज ऐसे इंडेमनिफायर को पहुंच जाती है, उसकी नॉलेज में आ जाता है। यानी कि आप एक इंश्योरेंस करते हैं और आपके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे ही वो एक्सीडेंट होने के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी की नॉलेज में आ जाता है तो वहां लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिटी अराइज हो जाती है। ठीक, इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूरी तरह समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करेंगे और उसे समझेंगे, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।